डोंट फिल्म मी ब्रो प्लीज। मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी के अभी और तुम लोग को अरेस्ट करवाऊंगा। ये क्या तरीका है बात करने का दादा? बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का इतना मसला है ना, इसराइल का फ्लैग लगा के रखे हुए। अभी जैसा कोविड फैला था ना अपना, वैसा यहाँ पर ना एक बीमारी फैली थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो हेलो, न्यू डे न्यू कंट्री न्यू सिटी। वियना, तो यार ये आज वियना का हम लोग आज पहला दिन है। फर्स्ट इम्प्रेशन अगर हम लोग आप मुझे पूछोगे तो आज बताते हैं मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। पूरे वीडियो में पता चलेगा कि हर एक चीज हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही होने वाला है। होटल के बारे में भी बता ही देते कि भाई क्या क्या सीन हुआ है, कौन से होटल में हम लोग रुके हैं। और एक्चुअली यहाँ पर ना इतने सारे होटल है जिस सिटी में हम लोग है, ऑस्ट्रिया के वियना सिटी में। वियना लोग आते हैं तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ना, ये एकदम ट्रेन स्टेशन के एकदम सामने है। क्योंकि ट्रेन से उतरो, 3 मिनट वॉक करो, सामने होटल है। तो कल का एक्चुअली है ना, जिस होटल में हम लोग रुके है उस होटल का नाम है लियोनार्डो। सो देखो, वियना में भाई एक तो पहली बार हमारा पहला दिन है और चीजें हम लोगों को काफी सारी चीजें पता नहीं, और यही होता है नई कंट्री में जाते हैं तो जाने के बाद कुछ दिन रहने के बाद आप सीखते हो कि भाई क्या रूल्स है क्या रेगुलेशंस है। बात है भाई कि अगर आप एक अच्छा होटल लेकर रह रहे हो कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो किसी भी होटल में कि भाई एक बेसिक कस्टमर सर्विस मिले। जैसे एक बेसिक चीजें होती है होटल में क्या बंदा एक्सपेक्ट करता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वाईफाई। आप बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, आपका लोकल प्लान यूजुअली नहीं कवर करता है, यू नो ज्यादातर फोन प्लान और डेटा प्लान, तो आप वाईफाई पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, तो वो तो चलना जरूरी है। स्पेशली हमारे लिए ऑब्वियसली यूट्यूब है, राइट, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, एडिट करना है, सब करना है। सबसे बड़ा, उससे भी ज्यादा, ये सब चीजें तो चलो हो नहीं हो, ऊपर नीचे होती है ट्रैवलिंग में, सब कुछ चलता है, कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए पर्सनली इम्पोर्टेंट है वो है गुड कस्टमर सर्विस। दिस इज इट, देयर इज नो एक्सेप्शन फॉर अस, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट, बिकॉज द वे वी ट्रीट पीपल वी वांट टू बी ट्रीटेड दैट वे। पर अभी मैं बता दो क्या हुआ एग्जैक्टली कल रात में। देखो अभी व्लॉगर है, हम लोगों की क्या आदत होती है ना कि भाई अपने जो भी मोमेंट्स उसको कैप्चर करो, ठीक है। ये इंटेंशन से नहीं कि भाई उसका कोई बड़ा बतंगा बनाना है या उसका कुछ बड़ी कहानी बनानी है। फिर लोग ये भी ऐसे भी सोचते हैं कि भाई हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम अपलोड करते हैं बहुत सारे व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, कि भी वो एक भी चला तो चला, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट गोल, राइट। द गोल इज टू लाइक कि भाई दिस इज व्हाट हैपेंड टू अस, राइट, एंड स्पेशली एक नई कंट्री में जाने के बाद। वो होटल वाला है ना भाई, हम लोग ना पहले वाईफाई आ नहीं रहा था, जब वाईफाई नहीं आया ना तो हम लोग क्या किए, और वाईफाई नहीं आया साथ में ना दो तीन चीजें बाथरूम में थी नहीं, टीवी नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा था, कॉफी मशीन का पानी पूरा बाहर बह रहा था। ऐसा नहीं है कि हमने कोई सस्ती होटल देख के, जरा भी नहीं, अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब ना टीवी चल रहा है ना वाईफाई चल रहा है, दरवाजे से हमारे रूम के जैसे बाहर आओ ना वाईफाई पूरा स्ट्रांग, रूम में घुसो मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो स्लो चल रहा है, बिल्कुल ही गायब। रेयान और कैफ नीचे गए पहले, तो वाईफाई नहीं चल रहा है, तो उसने बोला कि वहाँ पे बंदा था, एक लड़का था एक लड़की थी, वो इन लोग को बोल रहा है कि हाँ ऐसा ही है, दिस इज व्हाट इट इज, टीवी नहीं चल रहा, ठीक है हम टेक्नीशियन भेज देंगे। फिर कैफ ने बोला कि भाई कॉफी मशीन नहीं चल रही, पानी लीक हो रहा है, तुम लोग ही कुछ गलत कर रहे हो, सिखा रहा है ऐसे डालो वैसे कॉफी डालो वैसे, ठीक है। बट देन वी फाउंड आउट कि हम लोग सही कर रहे थे और वो मशीन खराब थी। तो रेयान मैसेज लेकर आए कि उसने बोला है कि टेक्नीशियन भेजेंगे टीवी के लिए, वाईफाई का जो है वो है, दैट्स इट। बोले ठीक है, रेयान ऊपर आए, बोले भाई वो बंदा कुछ अजीब ही है, सड़ी भी मूड में और सड़ी भी एटीट्यूड से बात कर रहा है, आज एक रेयान जाने तो छोड़ो यार, हम लोग नीचे अगर होता तो वो लॉबी में जाके हम लोग अपना यूट्यूब वगैरह अपलोड कर लेंगे, फिर ऊपर आकर एडिट कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज इट्स फाइन। एक डेढ़ घंटे के बाद टीवी फिर भी नहीं चल रहा था, कॉफी मशीन भी वैसी ही थी, मैंने बोला चलो रेयान इस बार मैं उतरती हूँ नीचे, और इंटरनेट भी नहीं चल रहा था, बात करते हैं उनको बोलते शायद हम दोबारा से बोलेंगे, शायद कुछ कर ले, यहाँ का हिसाब किताब पता नहीं होता भी क्या है, राइट। नहीं, वो बंदा बाहर आया तो मैंने उसको बोला कि लेकिन ऐसे माय हस्बैंड केम डाउन एन आवर अगो, ही मेंशन्ड अबाउट द टीवी स्टिल नॉट वर्किंग, बोलता है योर हस्बैंड नेवर मेंशन्ड टीवी, ही डिड बिकॉज ही केम अप, तो जो ऊपर आए, व्हाट यू टोल्ड हिम दैट यू विल सेंड अ टेक्नीशियन, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी, अगर जो तूने नहीं बोला होता तो किस तरह से मालूम पड़ता कि टेक्नीशियन आएगा। फिर मैंने बोला वाईफाई, फिर से उसने बोला इट इज, आई टोल्ड योर हस्बैंड दिस इज व्हाट इट इज, नथिंग वी कैन डू, ऐसे। ये क्या तरीका है बात करने का? उसकी जो टोन थी ना वो बहुत खराब थी, जब से मैंने उसको हेलो बोले तब से उसकी टोन खराब थी। ठीक है, मैं बताऊंगी ना तो एक घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम लोग होटल में पैसा दे रहे हैं तो मतलब हम लोग ईगो से होकर बात कर रहे हैं, ये तो बहुत प्यार से बात कर रही थी उससे, जिस तरीके से बात कर रहा था उसके बावजूद। बट वो बंदा है कि भाई वो बोलता है कि तुम लोगों को बैड रिव्यू डालना है तो डालो, आई डोंट केयर। हाँ ये बोलता है, रेयान ने कैमरा उठाया तब, हाँ जैसे उसने ये बोला तो मैंने फिर कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो फिर भाई बोलता है जाके रिव्यू डालना तो रिव्यू डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेयान का कैमरा देखा उसने, अपने कॉलीग को बोला पुलिस बुला बोलता है हाँ पुलिस को कॉल कर, पुलिस को कॉल कर, हाँ। फिर बाद में हमको बोल रहा है मैं पुलिस को बुलाऊंगा अभी के अभी और तुम लोग को अरेस्ट करवाऊंगा कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड मी। तो मैं बोला भाई मैंने पहली बार अपने आप को रिकॉर्ड किया, बोलता है मेरे पास कैमरे में सब फुटेज है, बोला ठीक है ना भाई, तो बोलता पुलिस को बुलाऊंगा, मैं बोला बुला पुलिस को, उसकी जो वो थी कॉलीग, मैं तो उसको सीधा बोला ना, बोला Go ahead and call the police. Police, sorry.
Yeah, go ahead and call the police. It's a call. We're standing here. हम वहीं खड़े थे, उनको बुला रहे। जा बुला। हम लोग वहाँ से हिले नहीं। भाई ये तो क्या है भाई? आओ दिखाता हूँ तो सही, आओ ना। I think ट्रेन से जाना पड़ेगा भाई। यही है, लुक, यही स्टेशन है, यहीं से जाना है अपने को। टिकट वगैरह तो हम लोग ने एक्चुअली क्या किया था, हम लोग ने 72 आवर्स का, 72 घंटे का ना पास लेके रखे हुए। तभी मैं इसके आगे की स्टोरी ना आराम से ट्रेन से उतरता हूँ फिर बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने का इतना मसला है ना कि मैं क्या बताऊँ। ट्रेन तो आ गई है, ट्रेन की लाइट तो देखो एकदम बैटमैन वाली है भाई। लाइट तो देखो इसकी, ट्रेन की आगे की। ट्रेन लेकर जाना है हमें सिटी सेंटर। तो भाई जाते जाते ट्रेन में हमारे एक पाकिस्तान से भाई साहब मिल गए। कहाँ से हो आप? पाकिस्तान से? कहाँ पर? कराची। अब कराची से आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको? कैसा मतलब अच्छी है लाइफ में? बेस्ट इंडिया है ना, सेफ है ना। तो बस अभी भाई वो ट्रेन में भी अपने पाकिस्तान के भाई मिल गए। सामने से उन्होंने बात की, बोले भाई आप लोग कहाँ से हो? पहले उन्होंने पूछा पाकिस्तान से हो गया? मैंने बोला नहीं नहीं पाकिस्तान से नहीं हूँ, इंडिया से हूँ। तो बोला अच्छा अच्छा घूमने के लिए आए हो? मैं बोला हाँ घूमने के लिए आया हूँ। तो बोले कैसा लगा भी है ना? मैं बोला अभी आज तो हम लोग का पहला दिन है। मतलब देखो ना अपने वाले ने एक दूसरे को देखकर ऐसा पहचान के ना मतलब सामने से बात करना शुरू कर देते हैं, अच्छा लगता है। मतलब वो भाई साहब यहाँ पे 30 साल से रह रहे बता रहे थे, बोले लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है, ये जगह सिटी भी सेफ है, ये कंट्री भी बड़ी सेफ है। तो भाई ये ट्रेन स्टेशन के बाहर आ गए तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार ये जगह तो। इट्स वियर्ड एंड नाइस एट द सेम टाइम। या इट्स लाइक सो डिफरेंट देन प्राग। हम लोग इतनी चहल पहल, यहाँ पर इतनी शांति है कि अजीब सा लग रहा है। और ये देखो अभी मैं यहाँ से ऐसा मतलब जा ही रहा था, ये सब देखो भाई यहाँ पे छोटे छोटे से स्टिकर वगैरह लगे हुए, क्या क्या लिखा हुआ है देखो इसके ऊपर। यार उन्होंने क्या लिखा है भाई? थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का भाई यहाँ पर भी ऐसे मतलब छोटे छोटे स्टिकर वगैरह लोग लगा कर रखे हुए। और ये बड़ा प्यारा लग रहा है देखकर यार। ये देखे आपने, आई थिंक आपको चेक करना चाहिए अपना। देखो वही उस जमाने का, ये भी कुछ उसी जमाने का लग रहा है। देखो सर कितना पुराना लग रहा है यार ये। हाँ रुको मैं कॉइन देता हूँ, मैं भी चेक करूंगा ये भी करे। और भाई ये ना एज अ सुवीनियर भाई काम आएगा ये। हाँ जैकेट उतरा ना 5 किलो तो भाई जैकेट का ही आएगा। सब है ना ये सब ऐसे जूने पुराने, बिकॉज यहाँ पे ना यार वियना पे भी ना बहुत सारी हिस्ट्री है यार। यहाँ पे पूरा शहर ही है ना भाई, ये पूरा हिस्टोरिकल शहर है अगर एक्चुअली बताया जाए तो। सबसे मेन पता है क्या, यहाँ पर World War II की है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है World War II से। चलो भाई ये चेक कर रहा है कैसे चेक होता है देखो ये। अच्छा खाली वीडियो बन सकती है भाई, कितना वेट है खाली वो बनेगा। हाथ नीचे कर भाई, तेरे साथ तो स्कैम हो गया। एक मिनट रुको भाई, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कुछ। टिकट विकेट आएगी नहीं आएगी भाई? ये तो पब्लिक के साथ खुला खुला स्कैम है भाई, खाली फोटो खिंचाने के लिए लगती है, लग रहा है ये वेट मशीन खाली फोटो खिंचाने के लिए बनी है। टिकट किधर है भाई? अपने इंडिया में जो टिकट देते वो लोग प्रूफ के साथ में। केजी है भाई यहाँ, 150 किलो यहाँ पे केजी चलता है, यहाँ पे वो पाउंड नहीं चलता है। सच में बताओ तो ये मशीन ही बंद है पीछे से। क्या ये मशीन का हुलिया है? तो देखो लगता है, मेरे को लगता है फोटो खिंचाने के लिए लोग हैं ऐसे पैसे डाल के। कुछ भी नहीं हो रहा यार, आप तो खुश हो जाओगे उतना वेट देखकर। वन पाउंड भी नहीं, 1.25 किलो से भी कम है भाई। ना हवा चल रही है फिलहाल, ना ही बारिश है, बिकॉज प्राग में बहुत बारिश थी। यहाँ पर भी हम लोग आने के पहले बारिश थी, जब प्राग में बारिश थी ना उस टाइम पे यहाँ पर भी बारिश थी। अब मैं ना आप लोगों को एक एक चीजें बताता हूँ यहाँ के ऊपर क्या है। तो अभी मैं बताता हूँ एक्चुअली होटल के, फिर उसके बाद हुआ क्या वो तो हम लोगों ने कहानी कम्प्लीट ही नहीं की अपने होटल वाली। तो होटल वाला फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसा तुथु मैं हुई तो फिर हम लोग वहीं खड़े थे। बाद में वो बोलता है कि तुमने जो लिए ना वीडियो उसको डिलीट कर दो। मैं बोला चल ठीक है भाई, बिकॉज अभी हम लोग नई कंट्री में अपने को इतना रूल्स रेगुलेशंस कुछ पता नहीं है राइट। तो मैंने बोला चल भाई ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर मैंने वो वीडियो निकाल के ना डिलीट कर दिया। उसके बाद हम लोग अपने रूम में चले गए, रूम में गए और उसका जो होटल का जो मैनेजर था ना उसको हम लोग ने ईमेल किए। भाई कंपनी का डायरेक्टर को हम लोग ने भेजे, होटल को ओन करता है भाई, उसका ईमेल क्या आता है सामने से रिप्लाई। हम लोग ने पूरा अच्छे से किया भाई, हम लोग यूट्यूबर है, हम लोग को इंटरनेट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और भाई हम लोग को पुलिस की धमकी दे रहा है यहाँ पर कि अगर तुम लोग ये करेंगे तो मैं अपना पुलिस को बुला दूंगा, ये कर दूंगा तुम लोग, ये भाई धमकी दे रहा है। उसका रिप्लाई आता है आज सुबह में। हम लोग आज होटल से बाहर निकले, मतलब सुबह में निकले बाहर निकलने के लिए। अब ऑब्वियसली वो सारी चीजें तो हमने रिकॉर्ड की है नहीं भाई, यहाँ पे तो बीबीसी के न्यूज रिपोर्टर बन के घूम रहे भाई हम लोग। जिस तरीके का कैमरा लेके आगे चल रहे एकदम बीबीसी के न्यूज रिपोर्टर वाली फिर आ रही है। नहीं भाई ये होटल की बात ना बाद में करेंगे, अभी इतनी खूबसूरत जगह है तो इसको भी पहले आप लोगों को बता दूं भाई ये जगह है क्या। तो ये जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये है सेंट चार्ल्स चर्च करके, यहाँ का बहुत फेमस चर्च है और सबसे पुराना चर्च है ये वियना का। कितना खूबसूरत मतलब इसकी कारीगरी की गई है। इसको बनाने वाले ने भाई बोलते ना, वो बनाने वाले ने क्या मजमा बनाया है। यहाँ के जो पहले एम्पायर थे, एम्पायर चार्ल्स फोर्थ, उन्होंने ये भाई
इसको बनाया था सेंट चार्ल्स चर्च को, इसकी एक्चुअली मैं अभी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। यहाँ पे लोग खड़े रह के फोटोज तो ले रहे हैं कि पीछे इतनी बुरी डार्क हिस्ट्री है ना यहाँ की। और उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला वियना में ना एक अभी जैसा कोविड फैला था ना अपना, वैसा यहाँ पर ना एक बीमारी फैली थी। वो बीमारी फैली थी यहाँ पर आज से 1679 में, मतलब 1600 में ना भाई पूरे यूरोप में ना एक बीमारी फैली थी और वो शुरू हुई थी वियना से, जिसको बोला जाता है डेथ ऑफ वियना से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे आपको लोग जो इतना खुशी खुशी पिक्चरें लेकर अभी देख रहे हैं ना, लेकिन उस जमाने में यहाँ पर है ना भाई सबसे बड़ी एक रिवर है जिसको डैन्यूब रिवर कहते हैं। वो डैन्यूब रिवर जो है ना उसकी हिस्ट्री ये है कि भाई वो है ना ईस्ट और वेस्ट यूरोप को ना कनेक्ट करता था ट्रेडिंग के लिए, मतलब बिजनेस के लिए ना ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता था। कनेक्ट होने में ये हुआ कि भाई दूसरे यूरोप के पार्ट से ना मतलब लोग है ना वियना आने लगे अपना बिजनेस करने के लिए, और जब लोग बिजनेस करने के लिए आने लगे ना उसकी वजह से यहाँ की आबादी इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से जो भी अनाज वगैरह उगाते थे या दूसरे कंट्री से जो अनाज लेके आते थे सामान लेके आते थे उन सबका कचरा है ना भाई ये पूरे सिटी में रखा जाता था। मतलब इतने तादाद में लोग यहाँ पे आके रहते थे, पूरा कचरा वगैरह निकालने के लिए ना यहाँ पे नाले वगैरह उस टाइम पे बनाए भी नहीं गए थे कि भाई जितने भी अनाज वगैरह सड़े आता था या खाना खराब हो जाता था, दूसरी चीजें खराब होती थी ना उसको कोई फेंकने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी वजह से भाई ये सिटी में इतने चूहे फैला हो गए कि भाई उसकी वजह से ना ये बीमारी एक एपिडेमिक था, मतलब उस जैसा कोविड था ना बिल्कुल वैसा था, ऐसी बीमारी यहाँ पर फैलने लगी। और उस बीमारी में कम से कम 78,000 वियनीज भाई मारे गए, 78,000 वियनीज, इसीलिए इसको है ना डेथ ऑफ वियना भी कहा जाता है। एम्परर चार्ल्स फोर्थ जो थे उन्होंने जब यहाँ पे कसम ली थी ना, यहाँ पर जब आए थे उन्होंने जब कसम ली थी उस दौरान उन्होंने ये चर्च को बनाया था, और ये इसलिए बनाया था ताकि लोग ना फिर से भाई जो भी उनके अंदर जो भी बीमारी चल रही थी या जो भी लोग परेशान थे ना उनके अंदर फिर से ना भाई अपने धर्म को लेके अच्छा महसूस करे, वो लोग धर्म को गलत ना समझे, उनको ऐसा लगे कि भाई हमारा जो धर्म है वो सही है और उसकी वजह से हम ठीक होने लगेंगे। मतलब लोगों के अंदर एक ऐसा बिलीफ कभी उनका टूटे नहीं कि भाई अगर अभी इतनी बड़ी बीमारी आ गई तो जिसकी वजह से भाई सब खराब हो गया, हम लोग की दुनिया खत्म हो गई, वैसा उनको महसूस ना हो। उन लोगों को बिलीफ दिलाने के लिए जब उन्होंने कसम ली थी ना उसी टाइम पे उन्होंने ये चर्च को बनाया। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है भाई यहाँ का, मेरे को जब मैंने इसके बारे में पढ़ा ना जाना ना मुझे सुनकर बहुत अजीब सा लगा, मतलब अच्छा भी लगा कि भाई उस टाइम पे किसी ने कुछ तो किया अपने धर्म के लिए भाई उस दौर में, मतलब उस वक्त में। ये भाई सेंट चार्ल्स चर्च, तो मैंने सोचा आप लोगों से बताओ, आप लोगों से शेयर करूं कि आपको पता चले ये है क्या। मैं भी खड़े रह के यहाँ पे पिक्चर लूंगा, यहाँ पे मैं आता आगे फोटो लेता इंस्टाग्राम पर डालता भाई हाँ मैं यूरोप में घूम रहा हूँ, उसकी सच्चाई क्या है भाई, ये बनाया क्यों गया है। ये देखो अभी यहाँ से हम लोग मैकडॉनल्ड ढूंढ रहे हैं भाई, मैकडॉनल्ड ढूंढते ढूंढते ये चौक को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग देम होम नाउ, ये अब इसराइल का फ्लैग लगा के रखे हुए ये लोग है ना, यहाँ पर बता रहे कि हम लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं और ये जो बच्चों को जो कैद किया गया ना उन लोग रिटर्न लेकर, तो खुले चौक को मतलब ये लोग इस चीज को पूरे दिल से ये लोग बता रहे कि भाई अपना सपोर्ट दिखा रहे यार। यहाँ पर ना जितना भी हम लोगों ने देखे ना भाई यहाँ पर ड्राइव करने वाले ना भाई सब के सब लेडीज यहाँ मेन सिटी सेंटर है ये, और यहाँ पर मैकडॉनल्ड ढूंढ रहे मैप में, गूगल मैप में ढूंढ रहे, मिल नहीं रहा है, ये कहाँ मिलता मालूम है। ये देखो ये भी कनीज ने नीचे देखिए, नीचे अंडरग्राउंड पे भाई मैकडॉनल्ड बनाया हुआ है, वाह वियना वाह। करीज पूछ रहे इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, मतलब इसके साथ में फोटो लेना है सबको, इसके साथ में सिर्फ पिक्चर लेने के लिए लोग यहाँ पे आते, क्राउड देखो ये सेंटर में पूरा क्राउड। ये जो आप देख रहे हो ना ये है होटल सैशर करके, और ये है ना वियना का सबसे पहला 5-स्टार होटल है जो फेस करता है ओपरा हाउस को। ये हम लोगों के ऊपर जहाँ पे अभी हम लोग खड़े है ना ये है ओपरा हाउस यहाँ का, अब ओपरा हाउस के बारे में तो सबको पता ही होगा, तो ये उसको फेस करता है। साथ ही साथ में इसमें ना सबसे बड़ा एक कैसीनो भी है इस होटल के अंदर ही, और इसके अंदर है ना एक म्यूजियम भी है जो 19th सेंचुरी से भैया इसके अंदर है, जो अभी भी वैसा का वैसा ही है, जो लोग टिकट लेकर अंदर जाते हैं और जो रहते हैं उनके लिए फ्री होता है, और इनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट यहाँ पर। होटल की खास बात पता है क्या है, पीछे देखो लाइन लगा के लोग है ना, इन लोगों का एक केक है जो स्ट्रॉबेरी के साथ में आता है चॉकलेट केक, वो इन लोगों का इतना फेमस है कि लोग यहाँ पे ना दूर दूर से खाने के लिए आते थे और लाइन लगा कर खा रहे थे। अभी हम लोग आए बाथरूम यूज करने भाई, और ये बता क्यों रहा हूँ पता है आप लोगों को, यहाँ पे बाथरूम यूज करने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, मैकडॉनल्ड्स चले जाओ, कोई ना भाई रेस्टरूम यूज करने के पैसे देने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ कनीज ने दिमाग लगाई है, अभी एक भाई साहब ओपन करके गए, बिकॉज ये ना देखो जब तक पैसे नहीं देंगे ना डोर ओपन होएगा नहीं। एक अंकल ने खोल के बाहर निकले ना, इसके बीच में हाथ डाल के रोक दी डोर को, अब कैब चला गया, अब वो आएगा मैं पकड़ के रखूंगा मैं जाऊंगा,
फिर मैं जाऊंगा, फिर ये जाएगी और पैसा बचाया जाएगा। दिस इज हाउ यू सेव मनी फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। और हम लोग ना इस वीडियो में आगे बात भी करने वाले कि हम लोग के साथ जो इंसिडेंट हुआ ना वो होटल वाला, उसके आगे का अपडेट भी बता दो कि क्या हुआ। पहले थोड़ा सा रेस्टरूम वगैरह यूज कर ले, घूम ले, फिर ले, फिर आगे बात करते हैं। भाई अभी जाते जाते ये मेरे का जब से प्राग उतरा ना तब से मन कर रहा है हॉट डॉग खाने का, लेकिन हलाल किधर मिल नहीं रहा था। यहाँ पर अपने टर्किश भाईजान टर्किश भाईजान मिले, हलाल का साइन था, मैंने कहा चलो हॉट डॉग ट्राई करते हैं। ओ माय गॉड, इतना जबरदस्त हॉट डॉग है यार, लुक ने बड़े ब्रेड के अंदर, ऐसा हॉट डॉग तो मैंने सीरियसली कहीं नहीं खाया। वेरी स्पाइसी, वेरी यम्मी। और हमने साथ में किया है दोनेर कबाब, जो कभी पहले ट्राई भी नहीं किया था, वो होटल जाके ट्राई करेंगे। तो अभी ये सारे बैग हम लोग मूव करके लेके जा रहे हैं न्यू बैग में, और इसकी वजह फिर बता रहा हूँ मैं, आई मीन न्यू रूम में। अब आ रहे नए रूम में 919 और 921। ये देखो मैसेज के साथ यहाँ पे मैसेज रखा हुआ है, मतलब कंप्लेन जो किए हम लोगों ने उसका असर किस तरीके से हुआ ये भी बताते भाई। ये देखो ये रूम के साथ में दूसरा रूम अटैच है जहाँ पे भाई, सो ये रूम ये दूसरे रूम को कनेक्ट करता है, मतलब अब यहाँ पे कैफ रहेगा, वहाँ पे हम लोग रहेंगे। अच्छा कैफ के लिए भी आ गया भाई, अरे क्या बात है। ये सब तो हम लोग जब एंटर मारे थे पहले दिन तभी कुछ नहीं मिला था, आज कंप्लेन करने के बाद देखो वियना सिटी गाइड भी दे दिए। वी विश यू अ वेरी प्लेजेंट स्टे एंड वेलकम एट लियोनार्डो, बेस्ट रिगार्ड्स मैनेजर एंड टीम। आई थिंक ये वेलकम ड्रिंक उसके लिए है जो ड्रिंक करता है ना। हाँ। मतलब वो बार पे अगर जाके बैठेगा ना, लो भाई हम लोग तो ड्रिंक करते नहीं है। एक तो गलती की है, ओके फाइन, गलती माने वो बहुत बड़ी बात है, विच वी रियली अप्रिशिएट। और उसके बाद इस तरह से सुधारना, इस तरह से मेकअप करना, ये हर लेवल के लोगों का और बिजनेस का काम नहीं है। हम सब इसीलिए दे रहे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दूसरा रूम दिए, सेकंड दो रूम दिए वो भी, हाँ एक वो और एक वो सेपरेट करके, वो भी अटैच्ड, तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। वो एक्चुअली मैनेजर हम लोग खुद पूछी, कैन यू प्लीज टेल मी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट। फिर हम लोग बात कर बोले साइड में आ जाओ ताकि हम लोग आराम से बात कर सके, वो पूरी हमारी बात सुनी एक वर्ड बोले बगैर पूरा। उसने बोली कि हमने, मैंने भी, हम लोग सब लोग ने वो कैमरा देखा, कैमरे में शीशर भी सॉ द फुटेज। एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि तुम लोग चिल्ला रहे थे या तुम लोग को इंस्टिगेट कर रहे थे या तुम लोग कोई बदतमीजी कर रहे थे, मैंने सब देखा। और बोलती अभी बात करने के बाद भी, बोलती मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि तुम लोग झूठे हो या वो टाइप के लोग हो के जानबूझ के ऐसे कुछ कहो। तो बोलती मुझे और भी ज्यादा भरोसा आ गया, पहले तो था ही था, महसूस होता, लोगों को समझ में आता है। फिर वो मैनेजर ने हम लोगों को खुद लेके आए, बोली चलो एक काम करो मेरे साथ में, चलो मैं तुम लोग को रूम दिखा दिया, रूम देख लो। तो ये था भाई आज का कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन अगर पूछोगे ना ये वियना का, बिकॉज हम लोग आज एक्चुअली में डे वन ही है। हम लोग कल आके तो रात में चेक इन किए थे के बाद बस दैट्स ऑल। बात छोटे मोटे सामान की नहीं है, बात है तू रिस्पेक्टफुली बात कर, तू अच्छे से बात कर, कस्टमर सर्विस के लिए भाई तू खड़ा है। यार हम लोग भी समझते यार, दिन अच्छा रहता है बुरा रहता है, सबके अलग अलग दिन रहते हैं, लेकिन इस तरीके से बिहेव करने कह रहे जा भाई, तेरे को रिव्यू डालना है डाल दे, जो करना है मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगा, अभी के अभी मैं कॉल करता हूँ पुलिस को, ये सब अगर भाई तू करेगा तो कस्टमर के साथ में ये नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा नई कंट्री में आया है ना, अगर नई कंट्री से उसको अगर रूल नहीं पता है तो उसको बोल कि भाई तुम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा अलाउ नहीं है, तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तुम डायरेक्टली ऐसा ये नहीं बोल सकते अभी के अभी पुलिस को फोन करता हो, डरा नहीं सकते हो। लेकिन उसके बोलने के बाद हमने शुरू किया, उसने बोला छाती ठोक के जाओ जाओ जाओ, जो रिव्यू करना है रिव्यू करना, ठीक है करेंगे हम, वही तो कर रहे हैं, उन्हें को डराना था भाई। अब ये सब में ना तुम लोगों को बता दो नीचे से आके, वैसे यहाँ पे आते साथ भी भाई यहाँ पर भी शुरू हो गई है बारिश, फिलहाल भूख भी बहुत लगी है, तो पहले कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। सो अभी एक्चुअली हम लोग ना डिनर पिकअप करने के लिए निकले, मैं और कैफ, थोड़े यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है हम लोग के होटल से कुछ 15-20 मिनट की दूरी पर, तो पहली ट्रेन राइड है भाई, मतलब पहली ट्रैम की राइड है, जाकर खाना वाना पिकअप करते हैं, भूख भी लग रही है भाई, ठंडी एक्चुअली बहुत है, अभी हवा भी इतनी तेज चलती है ना कि क्या बताओ यार, सच में खड़े खड़े बाहर हाथ पूरे सुन हो गए मेरे यार। भाई पीछे से बंदा बोल रहा है मेरे को, मेरा वीडियो मत बना। वो बंदा पीछे से बोल रहा है कि मुझे रिकॉर्ड मत कर, भाई मैं तेको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आई थिंक यहाँ के जब मैंने यहाँ के रूल रेगुलेशन में यहाँ के पढ़ा मैंने, भाई अपना तो नहीं है ये वाला स्टेशन, नहीं अपना ही है, तो मैंने यहाँ के ना भाई रूल्स पढ़ा कि भाई क्या आप पब्लिक प्लेस में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो हाँ भाई आप पब्लिक प्लेस में कहीं भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर भाई कोई बंदा अगर आपको बोलता है भाई मेरा वीडियो उसमें नहीं रहना चाहिए, तो फिर आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उसी लिहाज से आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है नई कंट्री में है, दूसरों के रूल्स भी है, तो उसको भी फॉलो करना जरूरी है। मैंने जैसे उसने बोला ना, तो मैं यहाँ से सीट से उठा और मैं सीधा ना जाके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया, बोला उसका वो फिर से रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो वहां जाके बैठ गया। फिर वो गया ना,
वापस मैं इधर आ गया। बोला भाई अब इतना समझ, मतलब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई लोग कैसे हैं यहाँ के। आई मीन किसी किसी को पसंद नहीं आता भाई कैमरे पे आना, किसी को नहीं अच्छा लगता है। ठीक है भाई मैं तो अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, आया हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया, मैं घूमने फिरने आते थे तो ना झगड़ा करने के लिए आया हूँ। अब हम लोग दोनों जा रहे लॉन्ड्री करने के लिए वियना में। हम लोग एक्चुअली फ्राक से भी कपड़े हम लोगों ने जो भी चेंज वगैरह किए थे सब धोने थे, तो अभी पूरा दो बैग भर गया एक्चुअली तीनों के कपड़े मिलाकर। तो अभी जा रहे हम लोग यहाँ पर एक सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री है, वहाँ पर जाकर कपड़े धुलाते धोते अपने सुखाते और लेकर आते। लेकिन वो सब देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वाले में फॉर श्योर।